नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फैंटेसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कल जो मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में के बीच में जो फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा उसकी हम ड्रीम इलेवन टीम प्लेइंग 11 और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक मैच की ड्रीम इलेवन टीम प्लेइंग 11 और टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, ड्रीम इलेवन टीम जानने से पहले देख लेते हैं कि क्या हो सकती है दोनों टीम की प्लेइंग 11। इंडिया की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रोहित शर्मा यहाँ से ओपनिंग करेंगे। पहले आपको बता दूं कि ये मैच जो लास्ट में ओडीआई मैच हुआ था वेलिंगटन में उसी जगह पे हो रहा है, इसलिए एक्सेप्ट है कि न्यूट्रल विकेट रहेगी, तो उस हिसाब से आप अपनी टीम बनाइए। इंडिया की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। उसके बाद वन डाउन आएंगे ऋषभ पंत और शुभनाम गिल, क्योंकि शुभनाम गिल वन डाउन बैटिंग करते हैं लेकिन ऋषभ पंत स्क्वाड के साथ जुड़ चुके हैं इसलिए ऋषभ पंत के खेलने के ज़्यादा चांस है। फिर उसके बाद आएंगे महेंद्र सिंह धोनी और विजय शंकर और केदार जाधव में से कोई एक खेल सकता है। ज़्यादा चांसेस है कि विजय शंकर खेल जाए क्योंकि केदार जाधव स्पिन बॉलिंग करते हैं लेकिन विजय शंकर स्पेसर की भूमिका निभाते हैं और न्यूजीलैंड की विकेट जो स्पेसर को ज़्यादा सपोर्ट करती है। उसके बाद दिनेश कार्तिक और शुभनम गिल, अगर शुभनम गिल खेलते हैं तो टू डाउन बैटिंग करने आएंगे और ऋषभ पंत थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि दिनेश कार्तिक के साथ ही जा सकती है टीम। उसके बाद हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और युजवेंद्र चहल, यह टीम चाहे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी खिला सकती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकती है क्योंकि ऑलरेडी टीम के पास कुणाल पांड्या और चहल के रूप में दो स्पिनर मौजूद है, इसलिए शायद कुलदीप यादव को बेंच पे बिठा सकती है। कुलदीप यादव और सिद्धार्थ कोल दोनों बेंच पे बैठेंगे। उसके बाद देख लेते हैं न्यूजीलैंड की स्क्वाड में क्या है। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में यहाँ से मुंड्रो और केन विलियमसन ओपनिंग करेंगे। इनके जो रेगुलर ओपनर है मार्टिन गुप्टिल वो थोड़ा सा इंजर्ड है इसलिए उनके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। अगर कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि क्या न्यूज़ है। उसके बाद वन डाउन आएंगे टीम सेपर्ड, ये भी काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, आप चाहे तो ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अटैकिंग बैट्समैन है। उसके बाद रॉस टेलर आएंगे, जिमी निशन जो कि 4 ओवर पूरी गेंदबाजी करेंगे और काफ़ी हार्ड रेटिंग बैट्समैन है, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद आएंगे कॉलिन डी ग्रैंडम, ये भी काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग के साथ बॉलिंग भी काफ़ी अच्छे कर लेते हैं। उसके बाद मिचेल सैथनर आएंगे, ड्रग ब्रेसवेल, इस सूडी, टीम सऊदी और लॉकी फर्गुसन। दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट को स्क्वाड से निकाला गया है, ट्रेंट बोल्ट को लेने की गलती आप मत कीजिएगा। दोस्तों, ये तो हो गई प्लेइंग 11 की बात, अब देख लेते हैं क्या बोल सकती है ड्रीम 11 टीम। दोस्तों, मैंने आपके लिए ड्रीम 11 टीम बना के रखी है तो चलिए देख लेते हैं क्या हो सकती है ड्रीम 11 टीम। दोस्तों, ड्रीम 11 टीम की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ऋषभ पंत, MS धोनी, टीम सिपर्ड, तीनों ही कल का मैच खेलने वाले हैं लेकिन मैं ऋषभ पंत के साथ जाना पसंद करूंगा क्योंकि यंग टैलेंट है और काफ़ी अटैकिंग बैट्समैन है। यहाँ पे बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो रोहित शर्मा, शिखर धवन और केन विलियमसन, इन तीनों को लेना पसंद करूंगा। आपके पास में ऑप्शन में जो बचता है गुप्टिल, मुंड्रो, मुंड्रो गुप्टिल नहीं खेलेंगे, मुंड्रो को ले सकते हो, रॉस टेलर को लेना मैं पसंद करूंगा। यहाँ पे आप दिनेश कार्तिक के साथ रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो या शुभनम गिल पे ग्रैंड लीग के टीम में रिस्क ले सकते हो। ऑलराउंडर के सेक्शन की बात की जाए तो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से हार्दिक पांडे को लेना पसंद करूंगा, आप चाहे तो यहाँ पे कुणाल पांडे को ले सकते हो, मिचेल सैथनर को ले सकते हो, जेमी नेशन को लेना पसंद करूंगा। ग्रैंड लीग के टीम में आप विजय शंकर को ट्राई कर सकते हो, कॉलिन डी ग्रैंडम खेलने वाले, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ से युजवेंद्र चहल को लेना पसंद करूंगा क्योंकि एक दो विकेट हमेशा के लिए ले जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार को लेना पसंद करूंगा, ड्रग ब्रेसवेल और लॉकी फर्गसन को लेना पसंद करूंगा। आपके पास ऑप्शन में जो बचता है उसमें इस जोड़ी
और कुलदीप यादव को अगर आप ग्रैंड लीग के टीम में ट्राई कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया 3 स्पिनर के साथ जाना पसंद करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के पास चहल और कुणाल पांडे जैसे स्पिनर मौजूद है, इसलिए। और न्यूजीलैंड की विकेट भी फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है, इसलिए कुलदीप का खेलना लगभग 90% बोल सकता हूँ कि नहीं खेलेगा कुलदीप यादव। आपके पास ऑप्शन में टीम सोधी और खलील अहमद की ऑप्शन है, आप इनके साथ जा सकती हो। दोस्तों ये तो गई ड्रीम इलेवन टीम, यहाँ से कैप्टन मैंने यहाँ से जेमिनेशन को बनाया और वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को बनाया हो। आप चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हो, यहाँ से कैप्टन केन विलियमसन वाइस कैप्टन रोहित शर्मा ऐसा कॉम्बिनेशन रख सकते हो। रॉस टेलर को भी आप रख सकते हो क्योंकि काफ़ी अच्छे प्लेयर है। या अगर आप बॉलिंग में ट्राई करना चाहे तो यहाँ पे भुवनेश्वर या चहल को भी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में, लेकिन मैं स्मॉल लीग की टीम बना रहा हूँ इसलिए मैं रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन और यहाँ से जेमी निशन को कैप्टन बनाना पसंद करूँगा। दोस्तों ये तो हो गई हमारी ड्रीम इलेवन टीम, आशा करता हूँ आपको ड्रीम इलेवन टीम पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई थी प्लीज़ एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय, बेस्ट ऑफ लक।